जब से तेरी दादी होश में आई है उसने जिद पकड़ रखी है कि मुझे अंगूरी की शादी करानी है। आपको अम्मा अंगूरी के लिए खारिज करती हैं। अंगूरी के लिए उनको ये लौंडा सही लग रहा है। हम लोगों ने एक फूल प्रूफ प्लान बनाया। फेरों को एन वक्त फिर हम आ जाएंगे भभूति जी की जगह। अरे वाह, मेरी तनख्वाह वसूल करने का इससे अच्छा मौका फिर ना मिलने का है। मैं चाहूंगा सबसे पहले के लड़के की बहन वो बीच में आए और नाच गाना शुरू करे। दुल्हन इतनी आसानी से दूल्हे को कैसे वरमाला डाल सकती है? अच्छा, हाथ ही नहीं पहुंच रहा है डैडू। मैं लंबी हूँ ना, मैं वो चक्के डाल देती हूँ। आइए अंदर चलिए। ये हेलमेट के ऊपर पगड़ी क्यों पहनी? अरे अम्मा जानती हो हेलमेट फंसी हुई है बचपन से, नहीं निकलती, इसलिए पगड़ी ऊपर बांधी है। हाँ ऊपर बांधी। वो छोड़ो, शादी में ध्यान दो। हाँ भाई, अम्मा जी कह रहे हैं वो फेरे का वक्त हो गया, फेरे शुरू करो। चलो भाई शुरू करो फेरे। अंकल जी एक मिनट सुनिए ना आप, प्लीज एक मिनट जरा। जी अंकल जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? विभू और अंगूरी जी के सच में फेरे करा रहे हैं क्या आप? अरे अनीता जी, आपको पता है अम्मा के सामने अब नाटक तो करना पड़ेगा ना, वरना अम्मा कोमा में चली जाएगी फिर से। अरे नाटक में सच में शादी हो गई और हम यहाँ सब ऐसे देखते रह जाएंगे तो कच्चा बनाने कहाँ है फिर? अंदर का गुइया छिल रहा है, उसको इस वक्त यहाँ होना चाहिए ना। फिर यहाँ हो रहे, वहां बैठे अंडे दे रहा है वो। तुम माने या न माने, उल्फत के दीवाने, ये आहा, आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अरे तुम माने या न माने, अबे धोती कहाँ गई बे? है? अबे धोती कौन का मखद ले गया बे? कहाँ गई धोती? सेठ जी, धोती हमारे पास है। टिल्लू बेटा तू? हाँ धोती दे दे बेटे। ना सेठ जी, धोती ना देने का। दे दे बेटे धोती, दे दे। ना सेठ जी ना। क्या बदतमीजी है? जो बदतमीजी ना सेठ जी, जो तुम्हारे हलक से तनख्वाह निकालने का एक सुनहरा मौका है जिसे मैं हाथ से न जाने देने का। अबे ये क्या बकवास कर रहा है बे तू? हम तेरी तनख्वाह लेके भाग जाएंगे क्या? भाग जाते तो दिल को तसल्ली मिल जाती, सबर हो जाता। देख बेटा टिटिलू, इस वक्त हम बहुत मुसीबत में हैं। इस समय अगर हम वहां नहीं पहुंचे ना तो भभूति जी की शादी अंगूरी के साथ हो जाएगी बेटा। तो हो जाने दो। क्या बोला बे? अरे तुमसे अच्छे तो वो हमारे विभूति सेठ जी हैं। अबे ये तू क्या बके जा रहा है? तू चाहता है कि अंगूरी की शादी नल्ले भभूति के साथ हो जाए? सेठ जी, तुम जैसे कंजूस आदमी से तो वो नल्ले अच्छे हैं। कम से कम वो किसी की तनख्वाह तो ना मारे, किसी गरीब का दिल तो ना दुखावे तुम्हारी तरह। बेटा ये तू क्या फालतू की बातें लेके बैठ गया बेटे? देख हमारे पास समय बात का, मैंने धोती देते बेटे। चलो सेठ जी, आज ये पता चल जाएगा कि तुम भाभी जी से कितना प्यार करो। ये तुम्हारा इम्तिहान है सेठ जी। अगर तुम वाकई भाभी जी से प्यार करो हो तो तुम हमारी तनख्वाह दे दोगे और भाभी जी को बचा लोगे, और अगर भाभी जी से प्यार ना करो तो तुम हमारी तनख्वाह ना दोगे। इससे ये साबित हो जाएगा तुम एक नंबर के घटिया, कमीने, कमबख्त और कंजूस आदमी हो जो सिर्फ पैसे से प्यार करे। हाँ धोती दे दे, तनखा दे दो। धोती दे दे बेटे, तनखा दे दो। धोती ले लो। धोती दे दे बेटे, तनखा दे दो। धोती ले लो, तनखा दे दो। ले धोती लो, लो 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 दे। अबे धोती दे, अबे तेरी, अबे ढिल्लो। अरे अम्मा जी कह रही है फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, फेरे शुरू करो ना, अभी बहुत टाइम हो गया है। ए सोचा अच्छा मुहूर्त बस अभी बार हो, थोड़ी देर रुक जाओ। देखिए हम लोग ज्यादा रुक नहीं सकते। हाँ हाँ
तबीयत खराब हो रही है, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी कीजिए ना। ऐसा है चाचा, फेरा ना मुहूर्त पे ही कराए जाएंगे, अगर फेरा मुहूर्त पे ना कराई गई ना तो अशुभ है जाए वो। अरे पंडित जी, घुइया शुभ और अशुभ होते हुए अब हमने अपनी प्रेग्नेंट बीवी से बिना मुहूर्त देखे ब्याह कर लो, तो सब बढ़ गया तो तभी तो तुम्हारा दसवा बच्चो ना हो रो। सारी ब्याह हो रहा है, जहां तक कुतर पांच ना करने तो ठूसे ही ठूसा मारे मुंह में। देख बहुत मजाक हो गया बेटा, तुझे तेरे खानदान की कसम है, ये धोती दे दे बेटा, धोती दे दे, धोती दे दे। सेठ जी, मैं किसी कसम वसम को ना मानू, अब तो ये धोती तभी मिलेगी जब हमें हमारी तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ अच्छा, हम भी देखते हैं बेटा तू कैसे नहीं देता धोती। अब कहाँ जाएगा बेटा, चारों तरफ से घिर चुका है तू। देख 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 धोती देख 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 दे बेटा देख देख। अनु बेबी, God, you're looking so hot. This pink and white suits you, man. Looking. Yeah. Thank you, thank you. It's not funny. मेरा पति मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। तुम्हारी जी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अनीता जी सुनिए, कहीं से तो लेकर आइए, लड्डू के भैया को ना ही तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। अच्छा मैं खुद ही उनको लेकर आती हूँ। जाइए। मैं बताता हूँ। दूल्हा दुल्हन जो है फेरों के लिए उतावले हो रहे हैं, वही पूछ रहे हैं अनीता से कि कब होंगे फेरे, कब होंगे फेरे, उतावले हो रहे हैं। है दिया। कोमा में नहीं। अम्मा होश में आओ, ठीक हो अम्मा? हाँ क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग यार, शादी कराओ ना, जो टाइम नहीं हमारे पास, तबीयत खराब हो रही है, आप लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, जो सामने बैठा उसकी करवा दो, करवा दो। नहीं डैडू, लगता है आज ब्याह करवा ही देगो जो भूरे। भाभी जी देखिए, भाभी जी अब जो हो रहा है उसमें किसी का बस नहीं है, तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए एंड एक्सेप्ट इट ग्लीफुली। देखिए मैं भी तो एक्सेप्ट करके बैठा हूँ ना भाभी जी, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। भाभी जी आप कहाँ बोल रहे हैं, मेरे कछु नहीं समझ आ रहा है, लेकिन लड्डू के भैया कहाँ रहे थे? हरे ओम गणानंतवा गणपते गंगाभामहे, मो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण दया मंगलम पुंडलिके काक्ष मंगलाय तनो हरे। भाभी जी क्या हुआ? तिवारी जी क्या हरकत है ये? वहां फेरे शुरू होने वाले हैं और आप यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे बंदरों की तरह उछल रहे हैं आप। अरे हम क्या करें भाभी जी, हम तो कब से आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टिल्लू कम वक्त आने नहीं दे रहा है। देखिए ना हमारी धोती चुरा ली भाभी जी, देखिए इसके हाथ में, देखिए टिल्लू ये क्या मजाक है, हाँ ये क्या मजाक है, और ये भी कोई वक्त है मजाक करने का? भाभी जी मैं मजाक ना कर रहा, इस कंजूस सेठ ने मेरी तनख्वाह ना दी अभी तक। अरे बाबा टिल्लू, तनख्वाह मांगने का ये कौन सा वक्त है और ये कौन सा तरीका है, कोई और तरीका नहीं है तनख्वाह मांगने का? अरे भाभी जी सारे तरीके आजमा लिए, यहाँ तक कि ताबीज गंडे भी करवा लिए, लेकिन इनके अलग से मेरी तनख्वाह निकलने का नाम ही ना ले रही है। टिल्लू देखो इस वक्त समझने की कोशिश करो, देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह तुम्हारी तनख्वाह दिला के रहूंगी, लेकिन अभी दे दो उनकी धोती प्लीज। हाँ, मेरा सिंदूर खतरे में है। हाँ, सच्ची में सेठ जी, भाभी जी का सिंदूर खतरे में है, इसलिए मैं तुम्हारी ये धोती दे रही हूँ,
ये लो। अब चलिए तिवारी जी। चलिए भाभी जी आइए। तिवारी जी क्या धोती पहन के आइए। कुछ खाना है, कुछ पीना है? अम्मा तुम भी ना, मतलब कोमा से बाहर आने के बाद भी। मेरे बगैर ही आप फेरे कर लेंगे? नहीं, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। ओहो, क्या हुआ अम्मा जी को? हाँ, आइए उठिए उठिए, क्या हुआ? अम्मा 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 क्या हो गया? अम्मा अम्मा कोमा नहीं, अम्मा अम्मा होश में आओ। हो रहे हैं फेरे, हो रहे हैं। हाँ, अंगूरी के फेरे हो रहे हैं। आई 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 फेरे लीजिए ना, चलिए 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 फेरे कीजिए। लो जी, शादी संपन्न हो गई। हाँ, भाई अम्मा कह रही हैं कि वो अपनी पोती को और दामाद को आशीर्वाद देना चाहती हैं। आओ आओ अम्मा, आओ 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 आओ। हाँ, चलो चलो चलो। प्रणाम कर रहे हैं दादी। डैडू प्रणाम। प्रणाम कर। अरे तुम्हारी भतीजा। भाई हाँ हाँ अम्मा कह रही हैं कि दूधो नहाओ और पूतो फलो, है ना? और ये भी कह रही है कि एक साल के अंदर ही फूलो। हाँ, अभी जाना है, घर जाना है, लेकिन स्कूटर पे जाना पड़ेगा। स्कूटर पे, बस में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, स्कूटर में कुछ देर लेट लो, कमरे में कुछ देर लेट लो, लेकिन जाना स्कूटर पे ही पड़ेगा। आओ आओ, मैं लेटा के आता हूँ। आओ पगले। हो गई हो गई हो गई। एक्चुअली शी इज माइन। बतिया रही हो पगली? अम्मा जी का काल है। क्या बोल रही है अम्मा जी? आपके लिए पूछ रहे हैं, क्या बोले? हट हट। भरवाएगी का? क्या हुआ बिटिया, हैं? वो तुमको डांट रहा है का? नहीं नहीं अम्मा जी, नहीं डांट रहे हैं, वो तो यहीं बैठे हैं। आप बोलिए, क्या बोल रही हैं? हाँ बहुरिया, हमारी बात ध्यान से सुनो। कल जो है हम पंडित रामफल के यहाँ गए थे और बैल का कुंडली दिखाए हैं, तो पंडित रामफल जो है वो की कुंडली में एक दोष बता रहे हैं, अकाल मृत्यु योग का दोष। बहुरिया तुम फिक्र नहीं करो, पंडित रामफल का उपाय भी बताए हैं। हाँ का उपाय बताइए, मुझे हमको बताइए, हम करेंगे। हाँ बेटिया सुनो ध्यान से, हैं? क्या उपाय करना है कि जो भूखे और लाचार लोग होते हैं ना, उनसे तीन लोगों को तीन टाइम का खाना एक साल तक तुमको खिलाना है, उसे जो है वो दोष दूर हो जाएगा, है? हाँ अम्मा जी, समझ गए समझ गए। एक साल तक तीन भूखे और लाचारों को खाना खिलाना है तीन टाइम का।
तीन भूखे लाजारों को तीन वक्त का खाना, अरे हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। का हुआ बहुरिया, वो पीछे से मना कर रहा है का? फोन दे तो को। हाँ हाँ अम्मा जी, अम्मा जी आपको फेस टू फेस गाली देंगी। अरे वो फेस टू फेस होता है पगली, हंसे ही पकड़े हैं। मना कर दो अम्मा जी, वो मना कर रहे हैं। हाँ अम्मा। कारे बैल, काहे हमरे बहुरिया को डांट रहा है, हैं? आए का अभी हुआ? नहीं नहीं अम्मा, तुम मत आओ यहाँ, तुम्हारी सेहत खराब हो जाती है और हमारी भी। अरे तो तुम्हारी सेहत के लिए तो बहुरिया से दान पुण्य करवा रहे हैं ना। लेकिन तीन लोगों का तीन वक्त का खाना। अरे तुम खाना बचाने का छोड़ो और अपना जान बचाने का सोचो, समझे? तो बहुरिया के काम में अगर तुमने टांग अड़ाया ना, तो वहीं आकर के तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, समझे? हाँ बहुरिया को फोन दो। समझ गए। हाँ हाँ जी। हाँ बहुरिया, बिटिया देखो जो उपाय बताए है ना, उपाय कर लेना है। हाँ ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो। बैल भी ना। हम कहा बोल रहे लेटू के भैया, हम ना खाना बनाने जा रहे हैं, आप तीन ठो भूखे लाचार ढूंढ कर लाइए। कहाँ चिल्ला रहे हैं? यार बिमला की भांजी ने लास्ट टाइम में मना कर दी रिश्ता टूट को यार। हाँ वो तो है यार। यार कुछ चाय पिलावे वालो ना मिल रो यार, चाय तो पिला दे भैया। सारो कंगलो ठीक है। हाँ यार एक काम कर, आज तू ही पिला दे दोस्त। ज्यादा बकवास मत करे, 2 महीने पहले तो चाय पिलाई थी मैंने, मत बो तू, आज तू पिला। अरे कर रहे बड़ो एहसान दिखा रहे। एक काम कर, सिक्का निकाल, टोस्ट करते हैं, तेल आयो मैं जीतो और हेड आया तू हारो। करोड़पति मेरे पास ना है कुछ सिक्को एक को, तू निकाल ले। अरे मेरे पास बड़ा खजाना पड़ो है, बकवास कर रहे हो, रुक जा। भैया जी एक सिक्का दे दियो। यारी अम्मा भी ना नित नए तोते पलवा देती है अंगूरी को, इतनी देर से ढूंढ रहे, कहां से ढूंढ के लाए भूखे लाचार। अब भैया जी कहा होगो, बड़े परेशान से दिख रहे तुम। कुछ नहीं यार, कुछ भूखे लाचारों को ढूंढ रहे हैं। आज सुबह से आईना में शक्ल ना देखी का? हम असली वाले भूखे लाचार ढूंढ रहे हैं, समझे? हमारी धर्म पत्नी को उन्हें पुण्य स्वरूप भोजन करवाना है। क्या भैया, ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरो गांव में ढिंडोरो, हैं? इतने भूखे नंगे बैठे हैं, हैं? शहर में कहां मिलेंगे ऐसे भूखे नंगे। भैया जी ये बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो कुत्ता के मुंह से ना रोटी निकाल के खा ले। हम दोनों से बड़ा भूखा नंगो आपको कहां मिलोगे। लेकिन अंगूरी ने तीन कहे हैं। तीन बोले का? लो तीसरो आ रहे भूखे। अरे बंसल साहब बंसल साहब बंसल साहब, मैं कह रहा हूँ आपसे, एक नंबर की लोकेशन है, एक नंबर की। जी हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। जी हाँ ओके बाय बाय। सक्सेना जी आप ना हमारी टीम में आ जाओ। क्यों बे छिछोरे लौंडो, तुम लोग चोर उचक्कों की टीम बना रहे हो क्या? नाना सक्सेना जी, हमने तो भूखे नंगे और लाचारों की टीम बनाई है। अंगूरी भाभी जो है ना भूखे लाचारों को खाना खिलाना चाहती है। भूखे लाचार नंगे तुम लोग हो गए, मैं प्रॉपर्टी डीलर बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया? जी भैया जी भैया। तो जब से ये कानपुर शहर में फिल्म सिटी खुला है ना, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं ही बिकवा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो एक दिन आपका घर बिकवा दूंगा। आई लाइक इट। हमारे घर बिकवाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं, आपके गुर्दे छील देंगे, समझे? हाँ बंसल साहब सुनिए सुनिए बात सुनिए। हाँ भगवान ना करे कि हमें अपना मकान बेचना पड़े, वरना भाभी जी के दर्शन के बिना न सुबह होती है न संध्या। आय हाय अंगूरी अंगूरी। अरे लड्डू के भैया। हाँ लड्डू के भैया कहाँ रह गए थे? वो हम किसी का हिसाब करने गए थे पगली, हैं? जाओ हमारे लिए खाना लगाओ, बहुत जोर के भूख लगी है, फिर हमें जरा अपने शॉप पे भी जाना है।
दे क्योंकि भैया अभी हम आपको खाना ना ही दे सकते हैं। काय नहीं दे सकते क्या? खाना नहीं बनाया क्या? नहीं नहीं, खाना तो सब बनकर तैयार है, लेकिन पहले हम तीन ठो भूखे लाचार को खाना खिलाएंगे। तो हम भी तो भूखे हैं। हाँ भूखे तो हैं, लेकिन आप लाचार तो नहीं है ना। अरे यार, शादी के बाद हर आदमी लाचार हो जाता है तुम्हारी जैसी बीवी के सामने, समझी? जाओ हमारे खाना बना के लाओ। देखिए लड्डू के भैया, आप खोके पर जाइए, हमरा मतलब है सांप पर जाइए, हम खाना वहीं भिजवा देते हैं, क्योंकि पहले हम तीन ठो भूखे लाचार को खाना खिलाएंगे, उसके बाद ही आपको देंगे। अरे यार, तीन ठो भूखे लाचार के सामने अपने पति को भूखा भेज रही हो, तो क्या करें हम, क्या करें? आपके ऊपर विपत्ति जो आई और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अरे यार, ये कैसी विपत्ति है जो खाना खिला रहा है भाई, भूखा जा रहा है। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम भिजवा देंगे।